पूरे देश में शनिवार से गणेशोत्सव की शुरुआत जोरों शोरों से हो रही है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सभी शहरों और नगरों में सोशल डिस्टेंसिंग को प्राथमिकता और सार्वजनिक उत्सव बंद को प्राथमिकता दी गई। इसी कड़ी में गणेशोत्सव के मद्देनजर शहर में भी पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त किया गया। यह निर्णय पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय के मार्गदर्शन में लिया गया। इस वर्ष लगभग 904 सामुदायिक गणेशोत्सव आयोजित किए जाने की उम्मीद है, जिसके लिए 5 जोनल डीसीपी, 10 एसीपी, 37 पीआई, 25 सह पीआई, पीएसआई, 414 पुरुष कांस्टेबल और 118 महिला पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। महिलाओं सहित लगभग 567 होमगार्ड भी इसमें शामिल है। राज्य रिजर्व पुलिस बल भी शहर में मौजूद होगी। इसके अलावा 3 दंगल नियंत्रण पुलिस क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात होंगे। यातायात के मुक्त प्रवाह के लिए, त्योहार के दिनों के प्रबंधन के लिए ट्रैफिक पुलिस ने भी कमर कस ली है। कई स्थानों पर सुरक्षा निगरानी में है, पुलिस को यहां सूचित किया गया। गणेशोत्सव के बीच कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए नागपुर पुलिस ने नागरिकों से जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है। घर में गणेश जी के विराजमान से लेकर विसर्जन की रस्मों के दौरान परिवार के सदस्यों की अच्छी तरह देखभाल करने और सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने का अनुरोध भी पुलिस ने किया है। देखिए, पूरे शहर में जो संवेदनशील एरिया है और इम्पोर्टेंट चौक है, वहाँ पे सब जगह बंदोबस्त है, पेट्रोलिंग है, हमारे ऑफिसर कर्मचारी रहेंगे। और आपको जैसा कि मालूम है कि इस बार तो मिरुनुक पूरी तरह से शासन ने बैन किया है, तो कोई भी मिरुनुक नहीं निकालेगा। अपना जो गणपति बप्पा को ले जाना है वो 5 से कम ही लोग उसमें ले जाएंगे। फिर भी हमने पूरे शहर में बंदोबस्त लगाया है, नाकाबंदी लगाई है, हमारे आरसीपी रहेंगे, स्ट्राइकिंग फोर्स रहेंगे। मैं सब लोगों से यही अपील करता हूं कि आप शांति के साथ किसी तरह का कोई मिरुनुक और प्रोसेशन नहीं करते हुए गणपति बप्पा की स्थापना करें, यही मैं सब से अपील करता हूँ। नहीं, आप टोटल 400 ऑफिसर आने जो 4000 35 से 4000 जवान लागलेले आहेत या पूर्ण बंदोबस्त मध्ये।